इसमें यदि प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से आप भेजते हैं तो रिटर्न होके उसी दिशा में चली जाएगी लौट के। और दूसरा चीज़, यदि प्रकाश किरण को आप मुख्य फोकस से भेजते हैं तो ये दर्पण से टकराने के बाद रिटर्न नहीं होती है बल्कि प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक इसका उल्टा, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर आप प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगी, मुख्य फोकस पे आएगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा पहला नियम, एक नंबर में पहला नियम। अब पहला नियम यही होगा कि यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो, है ना, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है, लिखिए उसमें, यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो वह दर्पण से, या तो वह परावर्तन के बाद, ऐसे लिख सकते हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। ये हो गया पहला नियम, उतारते रहिए आप लोग साथ साथ। लास्ट में एक ही बार फिगर बना के समझा देंगे। ठीक है, हाँ, नियम डायरेक्ट पहले लिखवा देते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम इसमें लिखवा देते हैं, दूसरा नियम, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाने के बाद परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में लौट जाती है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाए तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये तीन नियम है, इसको जल्दी से नोट कीजिए तो फिर इसको समझा देते हैं। ठीक है, उतारिए इसको, फिगर बना देते हैं, अवतल दर्पण में ही समझा देते हैं। ठीक है, यही नियम उत्तल दर्पण में भी काम आएगा, जब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये नियम भी उसमें यूज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दर्पण के लिए है। तो पहला नियम है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके उसमें बहुत कम एगो दो को यूज होगा, एक ये यूज होगा बस, दूसरा कोई यूज नहीं होगा, एक ही यूज होगा। हाई सब उसमें जो दुए को प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो इसलिए उसमें ये दोनों नहीं आता है, केवल इसका यूज होता है। पहला नियम है कि यदि प्रकाश की किरण को, देखिए ये है हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है, ये मिला देता है ध्रुव को और किसको, वक्रता केंद्र को। ठीक है, तो जो वक्रता और केंद्र को मिला है वो प्रधान अक्ष हो गया। तो यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, तो देखिए ये प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को हम भेज देते हैं और प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से हो जाती है, मुख्य फोकस। तो चलिए मुख्य फोकस यहाँ पे हम बना देते हैं, ये जहाँ से होके जाएगी वही मुख्य फोकस होगा। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, मुख्य
फोकस आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा नहीं रहे हैं कि और भी फिगर बनाना है तो ज़्यादा रफ फिगर बन जाएगा। तो ये हो गया पहला नियम। पहला नियम क्या है कि यदि प्रधानक के समांतर कुछ किसी प्रकाश किरण को हम भेजें तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। दूसरा नियम है यदि प्रकाश किरण को कहाँ से भेजा जाए, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र तो यही है, तो चलिए वक्रता केंद्र से हम प्रकाश किरण को भेजते हैं तो ये दर्पण से टकरा के और पुनः इसी दिशा में रिटर्न हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। और तीसरा नियम है यदि प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से न भेज के डायरेक्ट मुख्य फोकस से भेजें, ऐसे मुख्य फोकस से ऐसे भेज दिए तो ये दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हो गया इसी में तीनों नियम। ठीक है, ये तीनों फिगर बना लीजिए नोटबुक में, मतलब एक ही में तीनों बना लीजिए, बनाना चाहते हैं तो जल्दी से। मुंह से बोलेंगे तो सुनाई देगा ना, वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा, हो गया अपलोड हो जाएगा, सारा अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ग्रुप में क्यों डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे। तो कहीं से देखोगे तो यूट्यूब में जाओगे, ग्रुपों में डालेंगे तो क्लिक करने के बाद यूट्यूब में खुलेगा। तो यूट्यूब पेज पर जाइएगा, मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, समझिए पहले, बात मत कीजिए, नहीं ग्रुप में नहीं डालेंगे, चाहे डाल देंगे, डालना है तो क्या दिक्कत है मेरा, पहले समझ लो। छह गो स्थिति होता है प्रतिबिंब के निर्माण में, छह स्थिति समझो बारी बारी से। ठीक है, एक नंबर लिखिएगा सबसे पहले आप लोग, क्या जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। देखिए प्रतिबिंब का निर्माण समझिए इसमें कैसे होता है। वस्तु अनंत का मतलब इधर कहीं भी है, अनंत का पोजीशन नहीं होता है कि कहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, ऐ समझ लो पहले। तो जब वस्तु अनंत पे हो, मतलब इधर कहीं भी हो, तो चलिए वस्तु से तो फोकस निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश की किरण को हम भेजते हैं। इधर मान लेते हैं अनंत पर है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है। चलिए प्रकाश की किरण आई, अभी आपको नियम बताया गया है। पहला नियम क्या है कि यदि प्रकाश किरण प्रधानाक्ष के समानांतर हो तो दर्पण से टकरा के कहाँ से जाएगी, तो चलिए इसको मुख्य फोकस से हम भेज देते हैं। ठीक है, इधर नीचे भी प्रकाश की किरण आएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब के निर्माण में हमेशा दो गो प्रकाश की किरण को टकराना एकदम आवश्यक है। दो गो प्रकाश की किरण यदि नहीं टकराएगी तो प्रतिबिंब का निर्माण, अब हम मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण को भेजे, मुख्य फोकस से भेज दिए, तो आ गया कहाँ से पे टकराए, मुख्य फोकस पर। लेकिन जब तक एक और प्रकाश किरण नहीं टकराएगी तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे सब में दो गो प्रकाश की किरण को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, दर्पण से टकराना पड़ेगा, परावर्तित कराना पड़ेगा। तो एक प्रकाश किरण ये हो गया, फिर दूसरी प्रकाश की किरण को भी भेजते हैं, वो भी कहाँ से जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर, वो भी कहाँ पे जाके कटेगी, मुख्य फोकस एफ पे, क्योंकि ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर है। चलिए अब इसमें क्या होता है, एक नंबर में लिखा जाता है सबसे पहले उसका पोजीशन। पोजीशन का मतलब जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति उसको कहते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, कहाँ पे बना है, मुख्य फोकस, जहाँ पे दोनों किरण टकराएगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये दोनों किरण आके यहाँ पे टकराई है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना, मुख्य फोकस एफ पर। तो हमारा पहला आंसर होगा इसमें कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना, बोलिए एफ पर, उसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, एफ पर। दूसरा होता है कि प्रतिबिंब का साइज, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्योंकि देखिए ये एकदम बिंदु के बराबर है। ठीक है ना, और प्रतिबिंब वस्तु तो इतना बड़ा नहीं होगा, वस्तु तो कम से कम इतना बड़ा होगा, तभी तो दुगो प्रकाश किरण गया है दोनों से। तो वस्तु हो सकता है इतना बड़ा हो, इतना बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब देखो एकदम बिंदु के बराबर बना है ना, तो उसका साइज क्या होगा, बोलिए बिंदु के बराबर होगा।
बिंदु के बराबर, ये हो गया। अब होता है प्रतिबिंब का तो उसको क्या बोलते हैं, ये हो गया प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का क्या, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति, सॉरी क्या होता है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक रेखाओं के कटान बिंदु से मिलकर बनता है कि नहीं, अंतर में भी आप लोग लिखे थे। और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्यों वास्तविक होगी, दर्पण के आगे बना। तो ये हो गया पहले नंबर प्रतिबिंब का निर्धारण। कुछ नहीं लिखना है, घर पे जाके एक नंबर में लिखना है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पे हो तो प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखिएगा प्रतिबिंब की मतलब स्थिति मुख्य फोकस पर, या ऐसे लिखिएगा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार बिंदु के बराबर होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। चलिए उल्टा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, तो उल्टा हो गया है, नहीं उसको नहीं लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, उसमें कुछ नहीं लिखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। तो जहां भी वास्तविक देखा तो समझिए उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है। दो नंबर में क्या होता है, ये तो एक नंबर हो गया। दो नंबर में अब वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, पहले अनंत पर था, अब वस्तु को उठा के लाते हैं यहाँ पे, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी दूसरा आप लिखिएगा वहां पे, जब वस्तु कहाँ हो, समझना है इसको, समझ जाओगे ना तो देखने की भी जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हो। तो अब वस्तु को हम, वस्तु का पोजीशन बदलते हैं, यानी वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पे आपका स्थिति होगा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। चलिए दूसरा फिगर बना के इसको समझाते हैं। सब में सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद आपको ध्रुव को प्रदर्शित करना है, मुख्य फोकस को दिखाना है और वक्रता केंद्र को दिखाना है, ठीक है। चलिए तो इसमें भी हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा वस्तु। तो वस्तु से पहली प्रकाश की किरण निकली और ये प्रधान अक्ष के समानांतर गई और ये टकरा के कहाँ से चली गई, मुख्य फोकस। हमको पता है कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वो कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से। नियम याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब मुख्य फोकस यहाँ चली गई, अब एक और प्रकाश की किरण को भेजेंगे हम, ठीक है। एक और प्रकाश की किरण को भेज देते हैं हम कहाँ से, वक्रता केंद्र सी से, ये टकरा गई, रिटर्न हो गए, ये नहीं होगा, कहाँ से एफ से भेजोगे तो यहीं पे कट जाएगा, कहाँ नीचे से, नीचे कहाँ वस्तु है, वस्तु यहाँ से। तो अनंत में वस्तु का साइज इस प्रकार था ना, तो ये वस्तु नीचे थोड़ी है कि नीचे से प्रकाश किरण निकलेगी, प्रकाश किरण तो वस्तु से ही निकलेगी, है कि नहीं, तो इसलिए नीचे से भेजे थे। और दूसरा सवाल ये पूछे हैं, मुख्य फोकस से नहीं भेज सकते हैं, मुख्य फोकस से भेजिएगा तो प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा और यहाँ पे प्रतिबिंब पहले ही नंबर में बन चुका है, क्योंकि यहीं पे प्रकाश किरण टकरा जाएगी और जहाँ पे टकराई वहीं पे प्रतिबिंब बन गया। तो इसलिए हम कहाँ से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से, वक्रता बिंदु साइज का बनेगा, हाँ, लेकिन एफ पर हमको भेजना ही नहीं, क्योंकि वो स्थिति यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है यहीं पे, जब वस्तु अनंत पर था तभी बन चुका था मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो जब वस्तु आगे बढ़ा तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कहाँ से भेजे हैं, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से भेजे तो दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे टकराई और जहाँ पे टकराई वहीं पे बन गया क्या, प्रतिबिंब। ये हो गया प्रतिबिंब का साइज और ये है किसका साइज, वस्तु का साइज। चलिए तो उसमें एक नंबर में लिखे थे हम प्रतिबिंब की पोजीशन, पोजीशन का मतलब प्रतिबिंब का स्थिति, है ना। चलिए बोलिए आप, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी एक नंबर में,
चलिए ठीक है, सी और एफ के बीच। ठीक है बैठिए, ये हो गया प्रतिबिंब का क्या स्थिति, कहाँ पे बनाया प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच। ठीक है चलिए आप बोलिए। तो ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा उसमें था प्रतिबिंब का आकार, बोलिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, किससे छोटा, दर्पण से, बोलिए प्रतिबिंब का आकार जो है वो तो छोटा है, ये है, लेकिन किससे छोटा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है बैठिए, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वो छोटा होगा, उसमें था बिंदु के बराबर, या उसमें बहुत छोटा लिख सकते हैं, और इसमें हो गया वस्तु से छोटा। चलिए आप बोलिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तीसरा सलोनी, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक क्यों, काल्पनिक क्यों नहीं हो सकता है, उल्टा कैसे दिख गया आपको, उल्टा है, पता नहीं है ऐसे नहीं दिख रहा, उल्टा है, वस्तु ऊपर है नीचे लटक गया प्रतिबिंब, तो उल्टा ही है ना, प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु है, अब प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है तो उल्टा है, या ऐसे समझिए कि ये दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अभी बताएं कि जब दर्पण के आगे बने प्रतिबिंब तो वो क्या होता है, वास्तविक होता है, तो चित्र से भी देख के बता सकती हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होगा या वास्तविक होगा, नहीं तो दर्पण के आगे बना है तो आप डायरेक्ट लिख सकती हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, यानी ये प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी। ठीक है बोलिए, हाँ हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, अगर सीधा बना तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है क्या, तो बनता है तो हम दर्पण के पीछे नहीं बनता है, हाँ तो दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, तो वही तो हम ही बता रहे हैं, हाँ अवतल में बनता है, हम ही नहीं करेंगे अवतल में नहीं बनता है, हम कह रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल में भी बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो सीधा कैसे जानेंगे, तो जो वस्तु को आप इधर रखोगे ना ऊपर प्रधान अक्ष के ऊपर, तो प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनेगा, इसलिए सीधा होता है वो भी। ठीक है तो अभी बताएंगे, वो सबसे लास्ट पोजीशन है, 3 नंबर में अब वस्तु को कहाँ पे ले जाएंगे हम, पहले हाँ डायरेक्ट लेके आएंगे वक्रता केंद्र पर। ठीक है तो 3 नंबर में लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पे हो, हाँ जब वस्तु सी पर हो, डायरेक्ट लिख देते हैं वक्रता केंद्र, लिखने की जरूरत नहीं है, सी पर हो, तो देखिए सी पर है तब कैसे बनेगा, यहाँ पे हो गया ये प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया मुख्य फोकस। ठीक है वस्तु को ला के रख देते हैं कहाँ पे, वक्रता केंद्र सी पे, कोई दिक्कत है, जब सी पे रखेंगे तो प्रकाश की किरण जाएगी एगो कहाँ से, प्रधान अक्ष के समानांतर, और ये टकरा के कहाँ से जाएगी बाबू, मुख्य फोकस एफ से, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से भेजेंगे, एफ से भेजेंगे, और ये टकरा के जाएगी एस से, और ये दोनों किरण आके कहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे, और ये होगा प्रतिबिंब का पोजीशन यानी स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र सी पर, वस्तु भी कहाँ पे है, सी पर, और इसमें एक और सवाल इस प्रकार से आता है ना कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वस्तु के निर्माण, वस्तु के आकार के बराबर होता है, इन दोनों का साइज बराबर होता है, जितना साइज का वस्तु होगा उतना ही साइज का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु सी पर है तो यदि हम आपसे पूछें कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तो क्या बताइएगा, वक्रता केंद्र सी पर, क्योंकि प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। चलिए तो यहाँ पे 1 नंबर में हो जाएगा सी पर, यानी प्रतिबिंब सी पर बन गया, दूसरा हम पूछे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा तो क्या होगा, वस्तु के बराबर, तो दूसरा हो जाएगा वस्तु के बराबर, और यदि हम पूछे 3 नंबर में कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी तो यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक, तो ये आपका हो गया तीसरा। ठीक है
ये समझ में आया है ना ये। अब ये समझ में आया था, इसे आप खुद से घर से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट भेजिए मुख्य फोकस से, यहाँ पे भी प्रतिबिंब का निर्माण 2 नंबर में भी यहीं पे हुआ था। अगर हम इस किरण को वक्रता केंद्र से भेज रहे थे तब भी प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा था, ऐसे यहीं पे ना बन रहा था, और मुख्य फोकस से भेजे तब भी प्रतिबिंब वहीं पे बना। तो दोनों में से किसी कहीं से भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। इसमें 3 नंबर में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे बोलिए। हाँ सॉरी, 4 नंबर में, सी और एफ के बीच में। 4 नंबर में होगा जब वस्तु कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच। चलिए तो यहाँ पे फिर एक दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु को रखना है सी और एफ के बीच। चलिए रखते हैं यहाँ पे सी और एफ के बीच। एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं कहाँ से, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये टकरा के कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस एफ से। ये सब जितना भी फिगर बनाइएगा स्केल रख के बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी प्रकाश की किरण को कहाँ से भेजा जाए। एफ से भेज देते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण को भेज देते हैं एफ से। स्केल से बनाइएगा, चित्र सीधा बनेगा, ठीक है। तो एफ से भेज दिए तो ये आके ऐसे यहाँ पे काट दिया। देखिए ये हो गया मुख्य फोकस से भेज दिए। फिगर आ रहा है समझ में। एक प्रकाश की किरण को हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे हैं तो ये आगे ऐसे सीधी चली गई, दर्पण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस चला गया। और दूसरी किरण को मुख्य फोकस से भेज दिए डायरेक्ट, तो ये टकराने के बाद ये भी यहाँ से सीधे प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये दोनों तीन अनंत और सी के बीच। तो ये जो होगा प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी 1 नंबर में बनेगा कि प्रतिबिंब जो होगा सी और अनंत है ना, अनंत के बीच, अनंत के बीच। ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, वस्तु से बड़ा। चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक हो दर्पण के आगे है तो वास्तविक हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया। 4 नंबर में क्या करेंगे अब बोलिए। 5 नंबर में वस्तु को एफ पर रख देते हैं डायरेक्ट। तो लिख देते हैं 5 नंबर में जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो। तो फिर दर्पण बनाते हैं एक ऐसे, और अब यहाँ पे हो गया आपका ध्रुव। थोड़ा इसका लेंथ बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एफ और यहाँ पे कर देते हैं सी। ये सब लेंथ बराबर होना चाहिए क्योंकि 2 गो वक्रता त्रिज्या जो होती है, सॉरी 2 गो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। अब हम कहाँ पर रखें इसको, एफ पर। एफ पर रख देते हैं यहाँ पे। एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजें, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, एफ से होकर रिटर्न चली जाएगी ऐसे। चलिए दूसरी किरण को कहाँ से भेजें, ऐसे हो गया, सी से ही भेजना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ऐसे भेजेंगे आगे, आगे भेजेंगे ऐसे, तो ये टकराएगी तो डायरेक्ट सी से होके जाएगी रिटर्न। आगे भेजेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये टकराएगी तो ऐसे ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल। हाँ तो अनंत पर, इसका प्रतिबिंब अनंत पर, जब किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अनंत पर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति 1 नंबर में हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, अनंत पर बन रहा है तो साइज तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तीसरा, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक वास्तविक, क्योंकि वो भी दर्पण के आगे बनेगा। तो ये हो गया आपका
वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। अरे भाई वो मैथ का रूल है, तो कहीं एक दूसरे के आगे जब दर्पण फिर इसको मिलेगा दोबारा, तो फिर वहां पे परावर्तन होकर एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। हाँ, कोई जरूर नहीं है कि समानांतर जा रहे हैं तो आगे इसको कुछ नहीं मिलने वाला, आगे बहुत सारी वस्तु मिलेगी, दर्पण मिलेगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं होगा, हाँ टकराएगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसलिए तो इसका पोजीशन नहीं लिखा जा रहा है, पोजीशन नहीं तो रहता ना कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो पोजीशन तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि होगा, इसलिए यहाँ पे अनंत लिखा गया है प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। और दूसरा वस्तु से बहुत बड़ा हो गया और तीसरा वास्तविक हो गया, ठीक है। लास्ट में छह नंबर में कहाँ रहेगा, एफ और पी के बीच, ये लास्ट है आपका अवतल दर्पण का। यहाँ पे लिख देते हैं, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, ये लास्ट है, ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे हम कर देते हैं निर्माण, P हो गया, ये आपका F हो गया और ये C हो गया, तो इसके और इसके बीच में ऐसे ऐसे रख देते हैं एकदम बीच में, ठीक है। समानांतर भेज रहे हैं प्रकाश किरण को, कहाँ से जाएगा बोलिए, F से होके जाएगा, ठीक है। दूसरी किरण को फिर कहाँ से भेजेंगे हम, वक्रता केंद्र से, तो ये इसको अगर वक्रता केंद्र पर ये जाए तो हमको पता है कि दर्पण से टकरा के फिर इसी दिशा में वो क्या होती है लौट जाती है। अब देखिए, अब ये पैरेलल नहीं है, ये फैल रहा है, इसलिए इसको हम आभासी प्रतिबिंब के रूप में बनाते हैं, प्रधान अक्ष को लंबा करते हैं और इसको डॉट डॉट लाइन से बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये जहाँ पे एक दूसरे को काटे वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो देखिए वस्तु भी प्रधान अक्ष के कहाँ है, ऊपर है, नहीं केंद्र हमेशा दर्पण के बीच में ना होगा, पीछे केंद्र नहीं जा सकता है, इसलिए पोजीशन इसमें वक्रता केंद्र मुख्य फोकस जो भी ये बनेगा दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, ये भी याद रखना है, क्योंकि जब इसको गोल कीजिएगा तो ये गोलीय दर्पण बनेगा ना, और गोलीय दर्पण के ही केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, तो उधर कहाँ गोलीय दर्पण बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए केंद्र हमेशा आगे ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना हमारा आभासी, सॉरी हाँ आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि ये प्रतिबिंब सीधा है, सीधा इसलिए क्योंकि वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर, या फिर दर्पण के पीछे, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो यदि हम पूछें कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तो क्या बताइएगा, दर्पण के पीछे या फिर ध्रुव तथा अनंत के बीच, ये भी बता सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच इधर नहीं जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो पीछे बनेगा कि आगे बनेगा, पीछे बनेगा ना, दर्पण नहीं ध्रुव, अच्छा लगने वाला बात नहीं, मतलब लिख सकते हैं हम तो दोनों बता रहे हैं ना, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, हाँ दर्पण के पीछे ही लिख लीजिए, लेकिन ये भी जानकारी लिखिए कि ये भी लिख सकते हैं आप पी और अनंत के बीच। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बोलिए, वस्तु से बड़ा, और तीसरा उसकी प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी, बोलिए कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका हो गया छह प्रतिबिंब का निर्माण, तो जाके इसको घर पे आपको बनाना है खूब बढ़िया से, और इसके लिए सारणी भी बनाना है, देखिए सारणी कैसे बनाना है वो भी बता देते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ेगा आप लोगों का, जो नहीं लिख के लाएगा उसको चार चार छड़ी, चार छड़ी में आप डांस करने लगिएगा, कहें टेंशन ले रहे हैं, रिचार्ज समझ लो पहले, सबसे पहले सारणी में ऐसे बनाना है सारणी, और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है वस्तु की स्थिति, क्योंकि सबसे पहले वस्तु की स्थिति हम लोग जानेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, ऐसे वस्तु की स्थिति, और पहला क्या था वस्तु
अनंतपुर, तो यहाँ पे लिखना है अनंतपुर। वस्तु की स्थिति के बाद क्या लिखना है यहाँ पे? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है वो चीज यहाँ पे लिखना है। तो पहले जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो यहाँ पे लिख देंगे मुख्य फोकस पर। दूसरा लिखना है प्रतिबिंब का आकार, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और इसका आकार जो था वो बिंदु के बराबर या बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। और तीसरा था इसकी प्रकृति, किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या था? वास्तविक था, तो यहाँ पे हो गया वास्तविक। इसी प्रकार से छऊ लिखना है, और छऊ के लिए आपको सारणी बना के लेके आएंगे। क्या वो तो लिखना ही है, तो छऊ बनाने के बाद सारणी बनाना है, उसको कहाँ छोड़ना है। छऊ प्रतिबिंब का निर्माण तो लिखना ही है, कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, उसके बाद छऊ प्रतिबिंब निर्माण करने के बाद ये आपको लास्ट में सारणी बनाना है, और हेडिंग में लिखना है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की सारणी, ठीक है। उसके बाद ये बना के लेके आना। नहीं हो गया, बस समझा दी।